नमस्कार कहता है वोटर में आपका बहुत स्वागत है और कहता है वोटर के इस एपिसोड में हम सीहोर आए हैं। सीहोर जिला है और भोपाल लोकसभा की उन 8 विधानसभाओं में से एक विधानसभा भी है, यानी भोपाल लोकसभा का ये बड़ा हिस्सा है। और भोपाल लोकसभा का हिस्सा होने के नाते इसे कितना इसका फायदा मिला, जनता के जहन में क्या है, दिल में क्या है, मन में क्या है, राष्ट्रीय मुद्दों पर यहाँ जनता कुछ क्या विचार रखती है और लोकल इश्यूज क्या हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर से भी हम जानेंगे, बातचीत करेंगे, उनके मन में चल क्या रहा है। आइए चलते हैं। वैसे तो सीहोर भोपाल लोकसभा का हिस्सा है और राजधानी भोपाल से बेहद नजदीक भी है, लेकिन इसका इसे फायदा कितना मिला, क्या वाकई विकास में कुछ लाभ मिला, जानेंगे हम, कोशिश करेंगे यहाँ के वोटर से बातचीत के जरिए। सीहोर का ये वही सरबती गेहूं है जिसकी धूम देश विदेशों तक है, लेकिन क्या वाकई इस गेहूं को सही और वाजिब दाम मिल पाया, चलिए चलते हैं और जानेंगे किसानों से। हम सीहोर में हैं इस वक्त और लोगों से हम जरूर बात करेंगे। और दूसरा एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि सीहोर का गेहूं विश्व प्रसिद्ध है, भारत ही नहीं बल्कि बाहर तक यहाँ का गेहूं भेजा जाता है, लेकिन उसको लेकर क्या स्थिति है, बाकी दूसरी मसलों पर भी हम बात करेंगे क्योंकि भोपाल लोकसभा का हिस्सा है सीहोर। दादा, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, सीहोर हिस्सा है भोपाल लोकसभा का, कैसे देख रहे हैं, कुछ लाभ मिला कभी? नहीं, आज तक कोई लाभ नहीं मिला जी। सीहोर में रेल का स्टॉपेज नहीं है जी, बहुत सीहोर जी, कभी कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं जी। भोपाल लोकसभा का हम जिक्र कर रहे हैं, सीहोर अपने आप में एक ऐसी सिटी, ऐसा शहर भी है जिसको हर व्यक्ति जानता है मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या लगता है उस नजरिए से विकास हुआ? विकास तो हुआ है मगर बस कम हुआ है, जितना होना था वैसा नहीं हुआ जी। जी। क्या और होना चाहिए? ऐसे ब्रिज वगैरह होना, व्यापार होना, व्यापार कम है यहाँ पर, और भोपाल की वजह से जो है सीहोर को कोई लाभ नहीं मिलता, जबकि हमारी पास में ही राजधानी है एमपी की जी, और उसकी वजह से भी सीहोर में आज तक के कोई लाभ नहीं है। नहीं, भोपाल लोकसभा का हिस्सा है आपका शहर, लोकसभा है, उसके बाद भी तो यहाँ कोई लाभ नहीं है ना साहब, जिससे होने की वजह से भी जी। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। एक मंडी का भी हम जिक्र करेंगे, चूंकि गेहूं, जो गेहूं है बेहद विश्व प्रसिद्ध गेहूं है, मतलब आप लोगों में से कोई ग्रामीण क्षेत्र से भी है? हाँ, गेहूं हमारे यहाँ का बहुत विश्व प्रसिद्ध है, क्या स्थिति है इसकी, कैसे कैसे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, क्या व्यवस्था है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 4 बार अवार्ड लिया है मध्य प्रदेश से, गांव की घोषणा करी थी 2700 रूपये कुंटल की जी। और पंजीयन हो रहे 2275 रूपये कुंटल का, तो ये नाइंसाफी है, जो वादा उसको तो पूरा करें। यूरिया की बोरी रेट वही है, वजन 35 किलो कर दिया, क्यों कर दिया, क्या बोरी को वजन लग रहा था यूरिया का, बोरी 35 किलो की और रेट 50 किलो के, क्यों? सोयाबीन का तेल 70 का 140 पहुंच गया, लेकिन किसी की आवाज नहीं थी, जवाब क्यों नहीं देती सरकार? अभी अभी तो सरकार आई है, थोड़ा वक्त दीजिए। लाडली बहना के मोहन यादव ने घोषणा करी 1 तारीख को पैसा मिलेगा जी, जी, जी। उसकी घोषणा नहीं करी कि जो पात्रता से छूट गए उनका क्या होगा, वो बहना नहीं है। गेहूं से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ कोई काम था? जो सर्वाधिक गेहूं आप बोल रहे थे वो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, बाकी जो लोकल वेरायटी तो सभी दूर सेम रेट में बिकता है। अच्छा जी, कितने क्षेत्र में या कितना हम कहें कि उत्पादन यहाँ पर होता है? सर वो तो सर जानकारी नहीं, लेकिन अच्छी सर्वाधिक अच्छी मात्रा में होते हैं, पूरे विश्व में जाते हैं यहाँ से जी। कभी सांसद से कोई मदद मिली क्या? सांसद से कोई मदद क्या, हम तो नरेंद्र मोदी की मदद को देखते हैं। आज की कंडीशन में नरेंद्र मोदी जी 430 सीट के साथ वापस रिटर्न आ रहे हैं और उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। भाजपा ही तो नहीं है आप? नहीं, भाजपा ही नहीं, भाजपा से कोई मतलब नहीं है, हम जहाँ पे खड़े होते हैं, नहीं नहीं, हम तो यहाँ खड़े होते हैं उसके बाद बात करते हैं, ये कट्टर कांग्रेस ही इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका अभी तक कोई मुद्दा आया ही नहीं अभी तक, नहीं नहीं किसान नहीं, नहीं नहीं किसान होते, नहीं किसान होते तो सुनो, आज सबसे पहले सौर ऊर्जा दी, ठीक है, कृषि के पंप दे रही है गवर्नमेंट में, ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना दी, ठीक है, कृषि उज्ज्वला योजना दी, ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं कृषि से रिलेटिव हर षड्यंत्र का उपयोग फ्री में करा, आज अभी सौर ऊर्जा की लाइट देने का चालू कर दिया, अब क्या क्या चाहते हो? मालूम बोले बोले सम्मान निधि, सम्मान इस महीने की सम्मान निधि किस्त का है? जब हर महीने सम्मान निधि लेना चाहते हैं, बस अपना काम नहीं करना चाहते। मैं ये बता रही हूँ कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया वो मोदी जी ने किया, उतना तो अभी तक नेहरू से लेके इंदिरा तक अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। मानवता के कल्याण के लिए जो हो सकता है वो
सब कुछ किया मोदी जी ने। अभी आपने देखा कि हमारे कतर के 8 लोगों को सजाए मौत की सजा दे दी थी कतर में, उन 8 लोगों को मोदी जी वापस लेके आए। कोई ला सकता था? कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री था? कोई भी नहीं था। आप दादा क्या लग रहा है, मतलब इस बार हम अगर लोकसभा की बात करें, भोपाल लोकसभा में आपका सीहोर आता है जी, मोदी पसंद है, बिल्कुल ठीक बात है, वो अच्छी बात है, आपकी पसंद है मोदी जी, बहुत अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव आ गया, यहाँ क्या स्थानीय सांसद को नहीं देखेंगे आप? देखेंगे, हम तो मोदी देख के वोट देंगे जी। चलिए तो ये देखिए बात, मोदी इनके लिए सबसे बड़ा मसला है और मोदी ही सबसे बड़ा मुद्दा भी है कि आखिर उनका चेहरा सबसे आगे हो जाता है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, कुछ और युवा भी हैं। भाई साहब चाय की चुस्की चल रही है, ठीक बात है, चुनाव भी आ गए, चुनाव चुस्की के साथ चर्चा भी होती है, क्या चल रहा है अभी? वही बीजेपी का चल रहा है जी। काका जी क्या चल रहा है? यहाँ बढ़िया चल रही है साहब, बादल क्या है, यहाँ सकस फैक्ट्री वगैरह बंद पड़ी है, कम से कम ये उद्योग खुल जा तो बहुत सालों का रोजगार, जैसे 20,000 किसान पल जाए, 20,000 व्यापारी पल जाए, 10,000 मजदूर, इस तरह का ये रोजगार बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे सीहोर में। काका ने बहुत बड़ी बात कह दी है, रोजगार की बेरोजगारी जो स्वाभाविक है सबसे बड़ा मसला भी है काका। लेकिन आपकी सांसद से आप लोगों ने कभी अपील की? संसद तो साहब क्या है कि तबीयत खराब रहती है संसद बहुत, हाँ तो उनकी हालत तो ज्यादा ऐसी रहती है, बहुत कमी से आती है वो तो। सर सीहोर में कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो काम आज तक किसी प्रधानमंत्री ने करा है ना, भविष्य में करेगा जी। और जितने भी फर्जी किसान बैठे हैं ना बॉर्डर पे, ये सारे खालिस्तानी आतंकवादी, इनको डंडे मार के भगाया जाए। जो दिल्ली में बैठे हैं ना फर्जी किसान, सारे खालिस्तानी आतंकवादी, डंडे मार के भगाया जाए इनको। अरे किसान तो मैं हूँ, कहाँ से आ गए फर्जी किसान, गदर कर रहे हैं दिल्ली में। दादा सीहोर आप लोग तो लगातार देखते होंगे, कृषि से जुड़े सब तमाम काम आप लोगों के पास आते होंगे, कृषि को लेकर क्या कुछ और काम हुआ है? मंडी की व्यवस्थाएं क्या सब दुरुस्त है? मंडी की व्यवस्था अधिकांश सही है और कृषि में भी किसान सम्मान निधि मिल रही है और किसानों के लिए पहले कोई चीज नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल सारी चीजें व्यवस्थित चल रही है। के पास रोज दर्जनों सैकड़ों लोग आते हैं, तमाम मसलों पर चर्चा होती होगी, तो जो आपने सुना वो निचोड़ जरूर है। हालांकि हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर और क्या चल रहा है सीहोर और यहाँ की ग्रामीण जनता के दिल में। आइए चलते हैं, हम इस वक्त सीहोर के तहसील कार्यालय में हैं और तहसील कार्यालय में ग्रामीण से लेकर तमाम जो आसपास के कस्बे हैं वहां से काम जो जरूरत पड़ते हैं वो उसको लेकर पहुंचते हैं और यहां आपको अलग अलग बातें भी समझ में आएंगी, गांव की परेशानियां भी समझ में आएंगी और दूसरी चीजें भी जानने की हम कोशिश करेंगे। विश्व प्रसिद्ध गेहूं है, विदेशों तक जाता है, उसको लेकर प्रॉपर व्यवस्थाएं है क्या? यहां सबसे पहले तो पानी की बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन यहां आज मैं देखता हूं ग्रामीण क्षेत्र में मेरा आना जाना होता है तो यहाँ पे एक नर्मदा लाइन जो डल रही है वो प्रत्येक खेत में उसके पॉइंट दिए जा रहे हैं, तो वो किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाली है जी। उससे किसानों को बहुत लाभ होगा, आने वाले समय में यहाँ का किसान समृद्ध होगा। आपके सामने बहुत सारे चुनौतियाँ परेशानियाँ लेकर आते होंगे, क्या आप अनुभव करते हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी परेशान है, राजस्व संबंधित न्यायालयों में कार्य नहीं हो पा रहे हैं उनके समय पर जी। इसके लिए अच्छा, इसके बाद सीहोर में पानी की विकट समस्या है। एक हमारे पीछे पंडित जी खड़े हैं, 27 सालों से इनका एक प्रकरण लंबित है तहसील में जी। इन्हें 27 साल हो गए, इनका एक रिकॉर्ड दुरुस्ती का वो प्रकरण ही हल नहीं हो पा रहा है, ये चक्कर लगाते लगाते आज इनकी ये हालत हो गई है। तो ऐसे कई उदाहरण है ये जी। दादा बताइए है क्या क्या परेशानी थी अपनी? 1988 से परेशान हूँ। क्या हुआ? तो रिकॉर्ड जो है दुरुस्त कराने का आवेदन एसडीएम महोदय के यहाँ दिया था, उन्होंने तहसीलदार के यहाँ जांच के लिए भेजा, पटवारी ने 2 साल में मुश्किल से अधूरी रिपोर्ट लगाई, 2 साल चक्कर काटे, इसके बावजूद भी अपूर्णीय गलत रिपोर्ट लगाई, पूरी आधी जमीन की लगाई, आधी की लगाई नहीं जी। और तहसीलदार साहब के यहाँ 2 साल हो गए, फाइल खुली नहीं है, दस्तखत ही नहीं कराए, ना ही मुझे तारीख जी। क्या समस्याएं, कुछ समस्याएं या क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव आ गया है? साहब चुनाव तो आते रहते हैं और चलते रहते हैं, और कहने का मतलब यह है कि मेरे भी 4 बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर मैं भी चाहता हूँ कि उनको रोजगार मिले, कोई नौकरी मिले उनको, ताकि उनका जीवन बने। क्या यही चाहते हैं अपन के भाई, जो भी पार्टी आए, कोई सी भी पार्टी आए, मतलब रोजगार होना चाहिए, रोजगार कुछ भी नहीं है। सीहोर के मुद्दों की बात करेंगे, लोकसभा चुनाव है और यहाँ की लोकसभा
सांसद कभी आपके पास आए हैं? साहब 5 साल हो गए, दर्शन भी नहीं दिया आज तक। जी 5 साल हो गए हैं, अभी तक उन्होंने दर्शन भी नहीं दिए कि सांसद महोदय कौन है। काली बोर्ड के समय घूम के गए थे गांव में, जो आज तक नहीं आए। जी अब मुद्दे क्या है चुनाव के? चुनाव के मुद्दे क्या साहब, विकास तो कुछ हुआ नहीं 5 साल के अंदर, अभी तो कुछ नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं कि पानी का लाइन गाड़ दी, ये गाड़ दी, ये तो बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसान की अभी कोई समस्या हल नहीं हुई है। गेहूँ का भी बोल दिया उन्हें 2700 रहेंगे, आज 2200 का रेट चला रहा है, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। नहीं पाइपलाइन अगर बनी है तो देर सवेर पानी आएगा भी? तो आएगा जब, अभी तो नहीं है, अभी तो परेशानी है, अभी तक तो नहीं हुआ। सीहोर जिले का खजूरिया कला गांव एक और गांव है जिसे सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोद लिया था। अब हम इस गांव में भी पहुंचे हैं, गांव का हाल भी जानेंगे कि जो वादे किए, जो घोषणाएं हुई, क्या वो वाकई पूरी हुई। चलिए खजूरिया कला गांव, सांसद का गोद लिया हुआ गांव, कुछ और लोग हैं, हम यहां भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब सांसद का गांव है ये, गोद लिया हुआ, कुछ काम उनके अगर गिना सकें आप? हाँ हुए हैं सर काम, तो प्रवेश द्वार बना हुआ है। अच्छा जी। बन गया, घाट बन गया है जी, और भी काम आए हैं जी, तो अभी नालियों का भी बनने का है अभी जी, जो कि प्रवेश द्वार से नदी तक जाएगी जी, जी जी। स्ट्रीट लाइट का भी है उसमें सर जी जी। कुछ ऐसे काम जो आपको लगता है कि अभी और होने चाहिए इस गांव में? जी सर, अभी हमारे हिसाब से सर गांव में चौराहे से लेकर गांव तक हर जगह स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, ताकि ग्रामीण वासियों को रात अंधेरे में निकलने में दिक्कत ना आए। और सर ये जो नालियां हैं, घर घर से जो पानी निकलता है वेस्टेज, निकल बाहर निकलने के लिए यहां चौराहे से लेकर तो गांव तक नालियां बननी चाहिए। दादा कोई समस्या है अभी गांव की? कोई समस्या, बाकी बढ़िया काम चल रही है सब, अच्छा। मतलब ये जो है समस्या ये तो है सर, रोड की है, बाकी नाली बन जाए, बाकी लाइट लग जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो सब बढ़िया चल रही है काम जी। काम बहुत से दिया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसी गांव से भैया जी, क्या आपको लगता है कुछ और बचा? नहीं नहीं बचा नहीं, उन्हें बहुत दिया है। देखो सर, नंबर एक प्रवेश द्वार दिया है, दूसरा जिम दिया है हमारे यहाँ, और तीसरा अभी हमारे यहाँ उन्हें स्कूल की बाउंड्री दे दी, मंजूर हो गई। 1 करोड़ से ऊपर का हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कराया अभी अभी। लोकसभा चुनाव आ गए, किस आधार पर वोट करेंगे? भाजपा सरकार को देख के, रामलला देख के, जो अयोध्या में आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं, जो आज तक 500 वर्षों से नहीं हुए थे, उन्हें देख के वोट किए। 370 भी हटवाई। और जिसके बाद में ये हमारे लोकसभा का सांसद का गोद लिया गांव हुआ है, जिसमें अभी की न्यू राशि में 1,35,00,000 उन्होंने दी है। सांसद निधि से या सांसद महोदया ने काम कराया यहाँ पर? बहुत ज्यादा जी, कुछ गिनाए हमें? हाँ गिना देना, गेट बन गया हमारा जी, और वो घाट बन गया, सफाई हो गई, फुल जहाँ खड़े रहने की जगह नहीं थी जी, बिल्कुल साफ सुथरी जगह हो गई अब वहाँ पे जी। बस अभी तो यही चल रहा है जी, और काम चल रहा है जी। दादा क्या काम कर रहे हैं हम, क्या काम है हमारा? मेरा मोटर बाइंडिंग का काम है सर। अच्छा, गांव में चलता है ये बिजनेस? चलता है, बिजनेस चलता है जी। अच्छा, गांव में विकास के काम किस स्तर पे हैं? आप सहमत हैं या संतुष्ट हैं कामों से? हाँ संतुष्ट है जी। सांसद को जानते हैं अपने? हाँ प्रज्ञा जी जी। गोद लिया हुआ गांव है आपका? हाँ, गोद लिया हमारा जी जी। तो उनके जरिए काम जो उन्होंने कराए हैं कुछ है पता? ये अच्छा काम करवा रहे हैं, नालियों का भी, इनका भी, घाट का भी जी, और आगे भी है नालियां अभी, और बाकी पड़ी हुई है अभी नहीं हुई है जी। इसको सर बाद में तक इसको होना चाहिए, बच्चे बच्चे बाहर पढ़ने जाते, पेपर बाहर देने जाते हैं, तो बच्चा लड़का लड़की लड़की बाहर जाती है, बाद में तक इसको होना चाहिए। हमारी बेगरी से यही हमारी गुजारिश है कि ये काम होना चाहिए गांव के। तो 12वीं तक स्कूल हो जाना चाहिए, एक बड़ी मांग है इस गांव की जी। 12वीं तक का तो है पहले से जी, मगर वो भैया कह रहे हैं कि अभी है नहीं। नहीं 12वीं तक का तो कर रखा है। अच्छा अच्छा, सुधार होना चाहिए थोड़ा जी। पूरा मुल्क इस वक्त लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत ये हलचल जो पूरे मुल्क में है, वो हलचल सीहोर में भी है। सीहोर एक पिछड़ा हुआ जिला है जी। और वो क्यों? क्योंकि राजधानी बहुत करीब है, इसके हिस्से का पैसा वहां चला जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, हम विचार करें, राजधानी भोपाल कभी सीहोर जिले में आती थी जी? वो तहसील हुजूर थी, जिला सीहोर था, मगर दोगला व्यवहार 1947 से लेकर आज तक सीहोर के साथ होता रहा है। 22 ट्रेनें जो हैं वो यहाँ रुकती नहीं है, स्टॉपेज नहीं है उनके,
उसके लिए भी जो है प्रयास किए गए। और मेरा एक निवेदन वर्तमान सांसद महोदय से ये है, क्योंकि अब तो उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, कि उनको इस बारे में विचार करना चाहिए था। ठीक ठीक बात है, आपने अच्छी बात उठाई है कि जो यहाँ पर लोगों की गैदरिंग बढ़ी है उस लिहाज से ट्रेनों के स्टॉप भी जरूरी हैं। यह सीहोर का प्रसिद्ध गणेश मंदिर, और आज हमने भोपाल लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सीहोर विधानसभा के मतदाताओं से बात की, इसमें ग्रामीण और शहरी मतदाता भी शामिल हैं। तो आज के कहता है वोटर में बस इतना ही, अगले एपिसोड के साथ हम फिर किसी लोकसभा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।